पैरोल में सुधारों को लेकर जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई में सुधार को लेकर कई बड़ी सिफारिशें की हैं। जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि कोई नेता और सरकारी अधिकारी बीसीसीआई अधिकारी न हो, अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का हो, आईपीएल और बीसीसीआई में अलग गवर्निंग काउंसिल हो और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अधिकार सीमित हो, सभी राज्यों को वोटिंग का अधिकार हो, आरटीआई के तहत बीसीसीआई को आना चाहिए, हर सेलेक्टर का पूर्व टेस्ट खिलाड़ी होना अनिवार्य हो। लेकिन इसके अलावा लोढ़ा कमेटी ने एक चौंकाने वाली सिफारिश भी की। उसने कहा कि क्रिकेट में अगर करप्शन रोकना है तो सट्टेबाजी को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को छोड़कर बाकी लोगों को रजिस्टर्ड साइट्स पर सट्टा लगाने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके अलावा कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि सिर्फ 10% ही पास स्टेडियम में दिए जाएं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच के लिए जस्टिस आरएम लोढ़ा की अगुवाई में लोढ़ा कमेटी बनाई थी।